वेलकम टू चार धाम यात्रा। यह है कोलकाता का चार धाम यात्रा पंडाल बनाया गया है यहाँ पे, जो कि कोलकाता में स्थित है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हो पूरा भीड़ भरा हुआ चारों तरफ। और ये है पहला लुक चार धाम यात्रा पंडाल का। यहाँ पे चारों धाम का मंदिर का थीम बनाया गया है, देख सकते हो केदारनाथ बद्रीनाथ। यहाँ पे शिवलिंग का लाइटिंग का बनाया गया, देख सकते हो ये सामने में। और यहाँ पे चार धाम यात्रा का मंदिर बनाया गया, यहाँ से चार धाम यात्रा कर सकते हो आप लोग आके, जो कि कोलकाता में भी कल्याणी में बनाया गया है। ऊपर में पहाड़ बनाया गया, इसको करीब से दिखाएंगे। लाइन बाई लाइन सब लोग जा रहे हैं, देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है। आगे में लाइन में लगे हुए हैं, नीचे में सब लोग। पंडाल के ऊपर से चल के जाने वाला बनाया गया था, जिसकी वजह से भीड़ होने की वजह से ये लोग साइड से एंट्री कर दिया लोग, क्योंकि ऊपर जाने के लिए बनाया गया था इस पर। ये सामने में लाइटिंग दिख रहा है ग्रीन, इसके नीचे से रास्ता बनाया गया था ऊपर चारों पंडाल में घुस के। दुर्गा माता का नीचे में मूर्ति रखा गया है, वहाँ से दर्शन कर सकते हो, लेकिन इतना भीड़ होने की वजह से इस साइड से रास्ता चालू कर दिया गया है। देख सकते हो चार धाम यात्रा पंडाल में यहाँ से एंट्री मेन गेट में आ चुके हैं। सामने में देख सकते हो एक चार मंदिर यहाँ बनाया गया है, सामने में दो मंदिर और लेफ्ट साइड में भी दो मंदिर बनाया गया है। बीच में अंदर में दुर्गा माँ का मूर्ति बनाया गया, देख सकते हो। यहाँ से चार धाम यात्रा कर सकते हो। इसके ऊपर में ये लाइनिंग था, लाइनिंग दिख रहा है, यहाँ से रास्ता सब ऊपर जाने के लिए। ये भीड़ पूरा भरा हुआ है, देख सकते हो, चार धाम यात्रा करने के लिए पंडाल है। लेकिन देखने में लुक बहुत खूबसूरत है, रियल से कम नहीं दिखेगा आप लोगों को। चारों धाम यात्रा हो जाएगा यहाँ से, देख सकते हो चार चार पंडाल एक साथ यहाँ पे चार धाम यात्रा बनाया गया है। कलकत्ता कल्याणी में है ये। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देख सकते हो सामने से इसी को दिखाया था, लाइटिंग से बनाया गया है अलग अलग डिजाइन। और ये है चार धाम यात्रा का पहला मंदिर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार चार मंदिर यहाँ पे चार धाम यात्रा का। केदारनाथ भी सामने में बनाया गया, देख सकते हो। ये सीढ़ी बनाया गया, देख सकते हो, ये इसी से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता था, ऊपर जाएंगे ये सामने से सीढ़ी से, लेकिन बंद कर दिया गया भीड़ होने की वजह से। चार धाम यात्रा पंडाल का दर्शन करने के बाद से अब चलेंगे पंडाल के अंदर में, जहाँ दुर्गा माता का मूर्ति है, देख सकते हो ये अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर बनाया गया है, देख सकते हो चारों तरफ कैमरा चालू है, अपना अपना डेकोरेशन देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। ये साइड में देख सकते हो कृष्ण भगवान का फोटो लगाया गया है। ये मंदिर में पंडाल है, पंडाल के अंदर का ये देख सकते हो, भीड़ यहाँ भरा हुआ है। ये दुर्गा माता का यहाँ मूर्ति लगाया गया है, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। पंडाल में भीड़ भरा हुआ है पूरा। और यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर का लुक दिखा रहे हैं, यहाँ पे मेला लगता है बहुत भारी। पंडाल का पीछे का लुक दिखा दे रहे हैं, देख सकते हो मेला लगा हुआ है। और ये पंडाल का पीछे का लुक है, देख सकते हो ये सामने वाला मंदिर था, दो मंदिर इस साइड में बने हुए, एक केदारनाथ। ये पीछे का लुक देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। ये दर्शन करने के बाद से स्टेशन पर कल्याणी स्टेशन का भीड़ देख सकते हो घर जाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर महादेव।